गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? अच्छे से स्वस्थ सुरक्षित हैं? घर में अच्छे से रह रहे हैं बच्चों, है ना? और अपने से बड़ों का कहना मान रहे हैं, मान रहे हैं ना? अच्छे बच्चे हैं हमारे सारे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अपने से बड़ों का कहना भी मानते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, है ना बच्चों? मैं सही कह रही हूँ ना? आप पढ़ाई करते हो ना अच्छी अच्छी? तो देखिए, हम आज जो है वो चल रहे हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण जो है हमारी सेकेंड है, हिंदी सेकेंड, ठीक है? हम इतने दिन हिंदी वो चल रहे थे रीडर, आज हम हिंदी सेकेंड जो हमारी व्याकरण, उसका हमने इसमें भी जो है 4-5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें लिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? लिंग पढ़ने जा रहे हैं। लिंग क्या होता है, है ना? तो और ये किसको कहते हैं ये सारे? तो बच्चों लिंग क्या होता है? लिंग होता है हमारे ये संसार, उसमें पुरुष और स्त्री यही दो रूप है, है ना? तो पुरुष पुल्लिंग और स्त्री स्त्रीलिंग। हिंदी में बच्चों लिंग दो होते हैं। तो लिंग क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो है लिंग की परिभाषा देखेंगे कि लिंग जो है किसे कहते हैं। बच्चों शब्द के जिस रूप से, चाहे वो शब्द संज्ञा का हो चाहे सर्वनाम का, संज्ञा या स्वर्णनाम, यानी संज्ञा या स्वनाम के शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। दोबारा देखो, शब्द के जिस रूप से, चाहे वो शब्द जो है संज्ञा का हो चाहे स्वर्णनाम का हो चाहे वचन का हो किसी का, तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों? कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल, मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं। जैसे लड़का क्या है बच्चों? लड़का क्या है? पुल्लिंग। और लड़की स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। देवर पुल्लिंग, देवरानी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। ठीक है? तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। और ये एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत उदाहरण है, लेकिन मैंने आपको कुछ थोड़े से उदाहरण यहाँ बताए हैं ताकि आपके समझ में आए कि लड़का है, पिता है, चाचा है, मोर है, शेर है, देवर है, ये सारे के सारे तो आएंगे पुल्लिंग में। और लड़की है, चाची है, दादी है, माता है, है ना, ये सारे काय में आएंगे। रानी है, ये सारे आएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है बच्चों? तो पता ही चल रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो, तो उसी प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे लिंग के भेद। तो लिंग के कितने भेद हुए? दो, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में बच्चे लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों? पहला कौन सा है भेद? पुल्लिंग। और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो कितना सिंपल है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उससे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा, चाहे वे शब्द संज्ञा हो चाहे स्वर्णनाम के हो, किसी के भी हो, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ पुल्लिंग लिखे हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, अध्यापक, तोता, दरवाजा, खरबूजा, आलू आदि, मैंने कुछ ही लिखे हैं। ठीक है? एक बार फिर बताते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, अध्यापक, आदमी, तोता, दरवाजा, खरबूजा, आलू आदि, ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग, यानी शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है,
शब्द के जिस रूप से अर्थात शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे उदाहरण है आप लड़की, घोड़ी, नदी, सेना, औरत, रेलगाड़ी, रजाई, बहन, सखी आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है, यानी शब्द का वह रूप जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं और शब्द का वह रूप जिसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये मैंने आपके कुछ उदाहरण जो है वो पुल्लिंग के और कुछ उदाहरण स्त्रीलिंग के लिखे हैं। अब जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्री में स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो पुल्लिंग में कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे बच्चों वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम जो शरीर के अंगों के नाम हैं, जैसे दांत है, कुछ ऐसे होते हैं, सिर है, मुँह है, ये पुल्लिंग में ही आते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं कि सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। तो पुल्लिंग में बच्चों कौन कौन से होते हैं? जैसे शरीर के अंगों के नाम वो पुल्लिंग में आते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग में और महीनों के नाम पुल्लिंग में, फलों के नाम पुल्लिंग में, जैसे अपन कहते हैं आम, केला, पपीता, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग में। और अनाज के नाम कुछ ऐसे अनाज है जो पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ ऐसे धातुएं हैं जैसे सोना है, लोहा है, ये पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ जो वृक्षों के नाम जो है जैसे पीपल है, नीम, ये पुल्लिंग में ही आते हैं। और कुछ पर्वतों के नाम है जो भी पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे हिमालय है, शिवालय है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। और जो है प्राणीवाचक शब्द भी जो होते हैं वो भी कई पुल्लिंग में आते हैं। तो मैंने यहाँ पुल्लिंग के कुछ रहते हैं जैसे मैंने लिखा है कि भारत, जैसे भारत मैंने लिखा है हिमालय, गेहूं, लोहा, पीपल, बुधवार, ये दिनों के नाम हैं, ये महीने का नाम आ गया, महीने के कोई भी नाम जो कहते हैं ना अपन, महीनों के नाम है, बुधवार है, ये महीनों के नाम अगस्त है कहते हैं ना अपन, ये अप्रैल है, अक्टूबर है, ये सारे क्या आते हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं। तो वापस में देखो कि कई शब्द ऐसे थे जो सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं, उसको हम स्त्रीलिंग में नहीं कह सकते हैं। तो जैसे कई शब्द हैं जैसे भारत है, भारत जो है पुल्लिंग में ही रहता है, हिमालय, गेहूं, लोहा, पीपल, नीम और बुधवार, शुक्रवार, अगस्त कहते हैं ना, मार्च है ना, ये सारे पुल्लिंग में ही रहते हैं। आम है फलों के नाम में, सिर है हमारे शरीर का नाम, तोता है पक्षी का, ऐसे होते जिनका पुल्लिंग, मच्छर बच्चों सॉरी पे सोमवार, सूर्य, हीरा आदि, ठीक है सॉरी बच्चों, दोबारा देखो, सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द भारत, हिमालय, गेहूं, लोहा, पीपल, बुधवार, अगस्त, आम, सिर, तोता, मच्छर, सोमवार, सूर्य है, सूर्य को हम पुल्लिंग में ही बोलते हैं, हीरा जो होता है उसको हम पुल्लिंग में ही आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सदा हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। उसी प्रकार सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे अपन कहते हैं नदियाँ, नदियाँ होती है सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, ये जो होती है ये स्त्रीलिंग में ही रहती है। ये भाषाएं जो होती है ना, देवनागरी लिपि होती है, ये भी उसमें होती है स्त्रीलिंग में। आँख, अंग्रेजी, हिंदी, मारवाड़ी, रोटी, चोटी, ककड़ी, लौकी, टोपी, चांदी आदि, ये हमेशा काय में रहते हैं स्त्रीलिंग, यानी जैसे नदियों के नाम हैं ये स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे लिपियाँ होती है देवनागरी है, फारसी है, ये बता रखी है ना मैंने, गुरुमुखी है, ये सारी कायमे रहती है स्त्रीलिंग में रहती है। जैसे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे आँख है ये स्त्रीलिंग में रहता है। बच्चों कई भाषाएं होती है, भाषाएं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, फारसी है, ये कायमे रहती है, ये स्त्रीलिंग में ही रहती है, ठीक है। ऐसे बोलियाँ होती है जैसे पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती है ना, हरियाणवी, पहाड़ी, मैंने यहाँ मारवाड़ी लिखा है, कोई भी लिख लो आप, जो है मारवाड़ी लिख सकते हो, पहाड़ी लिख सकते हो, हरियाणवी लिख सकते हो, या जो मैंने लिखी है वो भी लिख सकते हो। तो मारवाड़ी, ये सारी जो होती है बोलियाँ, ये भी कायमे होती है स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार जो कई बार ऐसे शब्द आते हैं जैसे रोटी है ना,
जैसे चोटी है, जैसे ककड़ी है, जैसे टोपी है, जैसे चांदी का ही धातु ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, और कुछ धातु होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं। सोना, लोहा, ये तो पुल्लिंग में आ गए। जैसे चांदी है, ये काय में आ गई बच्चों, स्त्रीलिंग में। तो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में रहने वाले होते हैं शब्द, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग। तो लिंग किसे कहेंगे, तो लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिए, लड़का, लड़की, पिता, माता, देवर, देवरानी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, है ना, राजा, रानी, दादा, दादी, है ना, दादा का क्या होगा, दादी, और पिता का क्या होगा, माता, देवर का देवरानी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, ऐसे। उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि लिंग के दो भेद होते हैं। कितने बताए मैंने बच्चों, लिंग के दो भेद, एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। मैंने यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे हैं, जैसे घोड़ा है, लड़का है, अध्यापक, तोता, दरवाजा, खरबूजा, आलू, कुछ सब्जियाँ होती है ना वो सदा पुल्लिंग में रहती है, आलू है ये हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, इसको स्त्रीलिंग में नहीं कर सकते। खरबूजा ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है, दरवाजा हमेशा पुल्लिंग में रहता है, तोता हमेशा पुल्लिंग में रहता है, इनको स्त्रीलिंग में नहीं बना सकते। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जिसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लड़की, घोड़ी, नदी, नदी हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है, सेना, औरत, रेलगाड़ी, रजाई, बहन, सखी आदि, ये स्त्रीलिंग है। और फिर मैंने आपको बताया कुछ पुल्लिंग में रहने वाले शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको जो ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं लिंग आपका ये चैप्टर। इसमें कई होता है, एक और आता है कि विकारी शब्द क्या होता है। तो बच्चे जो विकारी क्या होता है, विकारी यानी जो लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं। एक और आता है कि विकारी किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और है ना, ठीक है बच्चों। तो अब मैं जो आपको, अब आपको क्या करना है, ये सारा का सारा, ये सारे कॉपी में लिखना पड़ेगा, व्याकरण की कॉपी में। आप सुंदर सुंदर राइटिंग में पहले लिखोगे लिंग, फिर लिंग की परिभाषा, फिर लिंग के भेद, फिर कुछ पुल्लिंग में रहने वाले, कुछ स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों को व्याकरण की कॉपी में बच्चों सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारे दे रखे हैं एग्जाम्पल, उदाहरण दे रखे हैं, तो मैं आपको कुछ उदाहरण और जो है नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। इसके बाद जो है मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों व्याकरण में क्या होता है, क्वेश्चन स्वयं ही बनते जाते हैं। अब सबसे पहले आप स्वयं प्रश्न देखिए कि सबसे पहले पहला प्रश्न बनता है लिंग किसे कहते हैं। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि लिंग किसे कहते हैं। अगर वो कहते हैं उदाहरणों को लिंग किसे कहते हैं या लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, तो आप लिंग की ये परिभाषा और उसके बाद ये वाले उदाहरण लिखना है। दूसरा प्रश्न बनता है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तो दूसरा प्रश्न का आंसर है कि लिंग के, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तीसरा प्रश्न बनता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखो, तब आप जो है पुल्लिंग की परिभाषा लिखेंगे ये, और ये स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखेंगे। फिर आपसे कोई पूछे कि पांच पुल्लिंग में रहने वाले ही शब्द लिखो, तो आप इनमें से छाट कर पांच लिख सकते हो, आठ लिख सकते हो। अगर एक और प्रश्न बनता है कि सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले आठ शब्दों को लिखो, तो आप इनमें से आठ छाट कर लिख सकते हो। तो कैसे प्रश्न बनते गए, पहला ये हो गया लिंग किसे कहते हैं, दूसरा लिंग के कितने भेद होते हैं, तीसरा लिंग जो है भेदों की परिभाषा लिखो, फिर सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द लिखो, सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द लिखो। आपका एक और प्रश्न इसमें बन रहा है, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि विकारी शब्दों से क्या अभिप्राय है, तो आप बोलोगे विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से अपना रूप बदलते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, विकारी होता है। और जो है संख्या, श्रवण, विश्लेषण, क्रिया जो होते हैं ये भी विकारी शब्द है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी।
उसके बाद आपको कुछ और बहुत सारे आपके बुक में एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण हैं, इनमें से कुछ उदाहरण मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगी जिसे आप कॉपी में लिखेंगे। तो अभी आप सिर्फ पूरा ये पूरा लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे अच्छे बनो, आप देखा करो लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, सारा शब्द भंडार होता है बच्चों। शब्द भंडार में लिंग आ जाते हैं, वचन आ जाते हैं, है ना, विलोम शब्द आते हैं, हम विलोम शब्द भी करते हैं, है ना, रात का दिन अच्छा का बुरा ये सारे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप सुंदर सुंदर राइटिंग में इस लिंक को लिखोगे पूरा सारा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगी, ठीक है बच्चों। ओके, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। थैंक यू।